अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी भुने हुए चिकन के कीमे की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये रेसिपी बहुत ही लजीज बनने वाली है। आप ठंडियों में इसे नाश्ते के टाइम पे बना के घर में सभी लोगों को खिलाएंगे। घर में सबको ये पसंद आने वाला है और बहुत ही कम टाइम में ये बनने वाला नाश्ता है। तो ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, आप इसे ठंडी में ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, इसे मैंने गरम कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा तेल लूँगी, आधा चम्मच के करीब मैंने लिया है तेल। और इसमें मैंने 100 ग्राम के करीब चिकन का कीमा को बारीक मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है। तो इस तरीके से हमें पहले तेल में थोड़ी देर इसे फ्राई कर लेना है। ये आपस में चिपकने लगता है, इसके लिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना ताकि ये चिपके नहीं और इससे अच्छा सा कीमा जो है वो तैयार हो जाए। देखिए इस तरीके से, आप चाहो तो चिकन को पहले बॉयल करके उसे स्प्रेड करके भी यूज़ कर सकते हो बॉयल चिकन को। तो चलिए इस तरीके से हमें चिकन को तल लेना है। उसके बाद मैं इसमें एक चुटकी डालूंगी काली मिर्च पाउडर। उसके बाद मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूंगी, जिससे इसकी महक जो है वो निकल जाए और इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं चला लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस कट करके इसमें ऐड कर दूंगी और इसे हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मैं मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने रखा है और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हमें ऐड करना है। तो चलिए सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चिकन को मैं लाइट ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई कर लूँगी। इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें कलर जो है वो आ चुका है और हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो चलिए मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो उसके बाद मैं इसी कढ़ाई में लूँगी आधा चम्मच तेल। उसमें मैं लूँगी एक टमाटर, मैंने यहाँ पे लिया है, इसे बारीक मैंने कट कर लिया है और इसे थोड़ी देर तल लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर गाजर, गाजर मैंने यहाँ पर एक छोटी पीस ली है। आधी मैंने ली है शिमला मिर्च, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और सभी चीज़ों को सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। सभी चीज़ों को मैं सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कैबेज, बंद गोभी जिसे हम पत्ता गोभी भी बोलते हैं। तो इसे भी हमें सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर तल लेना है। उसके बाद मैंने फ्राई किया हुआ चिकन इसमें ऐड करूंगी मैं। उसके बाद मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा हमें नहीं ऐड करना है, बस इतना जितने में कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और खूब अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए। तो चलिए इसे मैं ढक के थोड़ी देर पका लूँगी, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि मैंने इसमें पानी इतना डाला है कि बस ये इसका कच्चापन निकल जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा देर पकाने से हमारा मसाला जो है वो जल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी देर, करीब एक मिनट मैंने पका लिया है और हमारा मसाला यहाँ पर बहुत अच्छा रेडी हो गया है। इसके बाद हमें चिकन में ऐड कर देना है 1 टीस्पून मैंने लिया है टोमेटो सॉस और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिज़्ज़ा सॉस। तो दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। और ये हमारा चिकन बहुत अच्छा रेडी हो गया है। अब इसी कढ़ाई में मैं लूँगी थोड़ा सा तेल, जितने में कि हमारी पाव जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसे मैं तल लूँगी थोड़ी, दोनों तरफ से मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी ताकि हमारी जो है पाव दोनों साइड से अच्छे से सेक जाए। तो चलिए यहाँ पर हमारी पाव जो है वो रेडी है और उसके बाद हमारा कीमा भी रेडी है। और दोनों साथ में हम इसे इस तरीके से सर्व कर लेंगे और उसके बाद गर्मा गर्म हम नाश्ता रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।